अब बात करते हैं आदमखोर भेड़िए की। देखिए, बहराइच में वन विभाग को आखिरकार एक बड़ी कामयाबी मिल ही गई। जिस आदमखोर की तलाश में तमाम टीमें लगी हुई थी, पांचवें दिन भेड़िए को पकड़ा गया है। पांचवें भेड़िए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। पिंजरे में कैद ये आदमखोर ना जाने कितने लोगों पर हमला कर चुका था। कड़ी मेहनत का नतीजा आप कह सकते हैं ये रहा कि आदमखोर आखिरकार शिकंजे में आ गया। हालांकि अभी तक जो और भेड़िए हाथ में नहीं आए हैं उनको पकड़ने की तलाश की जा रही है। लेकिन ये पांचवा भेड़िया आप देख रहे हैं जो पिंजरे में कैद हुआ है, बेहद शातिर चालाक ये वो भेड़िया जो कई दिनों तक वन विभाग के कर्मियों को छकाने के बाद अब गिरफ्त में आया है। तो पिंजरे के अंदर भी छटपटाता हुआ ये भेड़िया नजर आया। देखिए इसके नुकीले दांत, जिससे इसने मासूम बच्चों पर और महिलाओं पर और बुजुर्ग लोगों पर हमला किया है। अब तक 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 50 के करीब लोग घायल हुए हैं। अब भी लगातार भेड़िए बहराइच में लोगों पर अटैक कर रहे हैं जो वन विभाग की टीम की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। अब उन्हीं आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ ग्रामीणों का अपना कानून है, वो अपने हिसाब से जब भेड़िए को पकड़ते हैं तो उसको मारते हैं, बुरी तरह से ज़ख्मी कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग के कर्मी जो भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसमें पिंजरे में कैद करके वन विभाग अब आगे कार्रवाई करेगा। देखिए, पांचवा भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भागा हुआ है, और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है, कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है, जो यहाँ पर हमारी सामान ले आने ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद करते हैं। अभी ये जो है इसको कवर्ड करके रखा गया, इसको कवर्ड करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको इस निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है, क्या ये कौन सा भेड़िया, एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया, एक अल्फा? ये लंगड़ा नहीं है, ये सही सलामत है। निश्चित तौर पर 1,00,000 से ज्यादा ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, और राहत की सांस हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में भेड़िए की दहशत बनी हुई थी। कभी खबर आ रही थी कि भेड़िया छत पर जा रहा है, कभी खबर आ रही थी कि भेड़िया ने यहाँ हमला किया है, कभी खबर आ रही थी कि भेड़िया ने जो है पशुओं पर हमला कर दिया है। तो तमाम तरीके की खबरों के बीच में आखिरकार आज सुबह जब भेड़िए को पकड़ा गया तो इन 1,00,000 से ज्यादा ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। और ये सभी ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, यानी बहुत जल्द, छठवें भेड़ियों को, इसे लंगड़ा सरदार कहा जा रहा है, वो पकड़ा गया है। कह सकते हैं कि आज तगड़ा सरदार पकड़ा गया है, और बहुत जल्द लंगड़ा सरदार भी पकड़ जाएगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 बहराइच। अब एक बार फिर से देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह से इसको पिंजरे में कैद करके रखा गया है, और सभी ग्रामीण बेहद खुश हैं। 1,00,000 से ज्यादा ग्रामीण इस वक्त खुशी से झूम रहे हैं कि आखिरकार वो घड़ी, वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार ये लोग कई महीनों से कर रहे थे। और इससे पहले 4 भेड़िया और पकड़े जा चुके थे, लेकिन ये पांचवा भेड़िया जो लगातार हमला कर रहा था, अलग अलग गांव में घूम करके अटैक कर रहा था, कभी बकरी और कभी पशुओं पर भी ये भेड़िया अटैक करता था, ये पांचवा भेड़िया ट्रैप कर लिया गया है। और इस भेड़िया को आप देख सकते हैं कि अब ये भेड़िया कितना शांत दिख रहा है, बिल्कुल शांत पिंजरे में बैठा हुआ है। तो निश्चित तौर पर वन विभाग के लिए बड़ी कामयाबी है, ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने इस भेड़िए को पकड़ा है। न्यूज 18 की टीम लगातार इस कछार के क्षेत्र में घूम ही रही है। कछार के क्षेत्र में हम लोग लगातार हरिबख्श का पुरवा और सिसैया चूड़ामली सहित तमाम गांवों में घूम रहे थे, और लगातार यहां ड्रोन उड़ा करके भेड़िए को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वन विभाग की अधिकारी रेणु सिंह का कहना है कि ड्रोन की वजह से भेड़िया इतना समझदार प्राणी है कि वो समझ जाता था कि लगता है कि उसके इलाके के जो और भेड़िए गायब हुए हैं वो इसी मशीन की वजह से, इसी आवाज की वजह से गायब हुए हैं, इसीलिए वो थर्मल ड्रोन जैसे ही उड़ता था वो अपना ठिकाना बदल लेता था। लेकिन इस बार वन विभाग की टीम ने थर्मल ड्रोन का सहारा नहीं लिया, बल्कि पग चिन्हों का सहारा लिया, भेड़िए की पग चिन्हों का सहारा लिया गया, और जो देसी तरीका है, देसी तरीके से वजह से ही ये भेड़िया पकड़ा गया है। तो आखिरकार काफी खोजबीन के बाद एक आदमखोर पिंजरे में आ चुका है।
शिकंजे में बहराइच का एक और शैतान। एक लाख से ज्यादा लोग इस भेड़िए की वजह से दहशत में थे और आखिरकार ये भेड़िया पकड़ लिया गया है। वन विभाग के ट्रैप में फंसा पांचवा आदमखोर। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, ये हमने पांचवा भेड़िया पकड़ा है। लोगों की मदद से पकड़ा गया पांचवा भेड़िया। बारह दिन बाद शिकंजे में आया नरभक्ष। अब छठे भेड़िए की तलाश में वन विभाग बहराइच में दहशत का सबब बन चुके गैंग्स ऑफ भेड़िया का एक और शैतान वन विभाग के शिकंजे में आ गया। वन विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उस गैंग का पांचवां सदस्य है जिसने एक एक करके बहराइच के 10 लोगों को मौत की नींद सुलाया है। अब ये पांचवा आदमखोर वन विभाग और गांव वालों की मदद से पिंजरे में कैद हो चुका है। पकड़ा था तो कुछ तो शंका मिटी, अब वो पकड़ जाए बस सारी शंका दूर हुई जाए। मतलब जो खतरा था धीरे धीरे टल रहा। हाँ, टल रहा है, नहीं बहुत खतरा रहा है। खुश हैं आप लोग? हाँ, बहुत खुश हम। दावा किया जा रहा है कि अभी भी आदमखोर दस्ते का एक और शिकारी बाकी, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार लगी हुई है। पांचवा भेड़िया पकड़ा गया है, हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं, एक अभी भी फरार है, भागा हुआ है। बीते 2 महीने से बहराइच में भेड़ियों की वजह से ऐसी दहशत है कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो चुका है। इन्हीं खूंखार भेड़ियों की वजह से बहराइच के कई परिवारों में मातम पसर गया। पूरे सिस्टम के लिए चुनौती बन चुके इन्हीं आदमखोरों को शिकंजे में कसने के लिए वन विभाग और गांव वालों ने जगह जगह ट्रैप लगा रखे हैं, लेकिन शातिर भेड़िए बार बार चकमा देकर शिकार को अंजाम देते रहे। लेकिन 28 अगस्त के बाद अब वन विभाग के पिंजरे में एक और नरभक्षी को पकड़ा जा चुका है। लेकिन ये भेड़िए असल में कितने शातिर हो चुके हैं, इसे वन विभाग के अधिकारी के इस बयान से समझा जा सकता है। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है जी। ये हमने पांचवा भेड़िया पकड़ा है। 4 भेड़िया हम पहले भी पकड़ चुके हैं जी। ये पांचवा भेड़िया है जो हमने पकड़ा है। हाँ। और कल हम लोगों ने इसके पगमार्क्स ट्रेस किए। हाँ। जो अजीत है हमारे DFO, हाँ, यहाँ के बहराइच के, अजीत और उनकी टीम, इनके द्वारा इस कार्रवाई को किया गया है। यही वजह है कि वन विभाग की टीम जल्द से जल्द उस छठे दरिंदे को पकड़ना चाहती है जो अभी भी जंगलों में छिपा हुआ है। और आइए बढ़ते हैं आगे। बहराइच के बाद प्रतापगढ़ में भी भेड़िए का जो आतंक है उससे जुड़ा एक अपडेट आपको दे देते हैं। यहाँ पर भी भेड़िया देखने को मिला है। यहाँ के गोपालपुर गांव में बीती रात एक भेड़िए ने बकरी को अपना शिकार बना डाला। भेड़िए के हमले के बाद गांव वालों में दहशत का माहौल है। गांव वालों को डर है कि कहीं ये भेड़िया भी आदमखोर ना हो जाए। गांव वालों ने भेड़िए के हमले की जानकारी वन विभाग को दे दी है। गांव वालों का कहना है कि जैसे ही उन्हें रात में भेड़िए के हमले की खबर लगी वो चिल्लाने लगे। उधर बिजनौर में आदमखोर गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है। नगीना वन रेंज के हूर नंगला गांव में आदमखोर पकड़ा गया है। वन विभाग के पिंजरे में इसको कैद किया गया है। आदमखोर गुलदार कई लोगों को अपना निवाला बना चुका है। पिछले 3 दिन से बिजनौर में लगातार गुलदार पकड़े जा रहे हैं। कल भी गुलदार पकड़ा गया था। पूरा तो गिरा पड़ा है।
वहीं आपको बताएं कि झांसी में सियार के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टैरोली तहसील क्षेत्र में सियार के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। एक किसान खेत की रखवाली करने के लिए गए हुए थे और सियार ने किसान पर अटैक कर दिया, जिसे किसान घायल हो गए हैं। सूचना पर वन विभाग के जाल यहां बिछाए गए। फिलहाल सियार पकड़ से दूर है, लेकिन सियार को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। गांव से शाम के सो शाम आओ सो हमारी कुत्ता है तो हमें लड़का हो हमें ऊपर चढ़े बैठो बस पर हमें लठी जारी लाए थे फिर उन्हें हमें गुद्ध फुद्ध करो फिर हम मोड़ा दो फिर उन्हें बचाओ। अच्छा, कब की घटना है ये? जब शाम के 7 बजे की। 7 बजे की घटना? हाँ, शाम के। तो लड़के ने बचाया आपको? हाँ। किसने हमला किया था? जो जसिया कौन का सियार। अच्छा, कुशीनगर में एक पागल सियार ने 6 लोगों पर अटैक कर दिया है, उन्हें घायल कर दिया है। ग्रामीणों ने सियार को भेड़िया समझ के मौत की घाट भी उतार दिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, साथ ही बता देते हैं कि वन विभाग की टीम ने मृत सियार को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जटहा थाना क्षेत्र के भैरवगंज का मामला है। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इसके साथ आपको बताएं कि इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएंगे। तो मायावती का ये कांग्रेस पर हमला है, मायावती ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने क्या कहा है वो आप जान लीजिए। वो कह रही है कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही है, सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया है और ना ही देश में जाति जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इस नाटक से सचेत रहने की जरूरत है।